मैच, बिल्कुल बहुत ही बुरी बॉलिंग करेंगे तब होगा, वरना अब मुझे 1000% उम्मीद है ये पाकिस्तान को मैच जीतना चाहिए। लेकिन ये जो इन्होंने आखिरी ओवर की पहली गेंद करा रहे मोहम्मद नवाज, कोई गलती नहीं की और हार्दिक पांड्या का कैच लिया, एक आसान कैच एक मुश्किल मौके पर, और यूं पाकिस्तान एक बार थोड़ा सा माहौल बनाऊं कि नहीं बनाऊं बता दो यार मुझे भाई। मैंने क्या बोला था 70% पाकिस्तान, देख लो यार अभी भी मैं आप 70% पाकिस्तान, शुक्रिया यार जी। मेरा ख्याल है हार्डली 5 मिनट पहले 1000% था। ये जो आप 1000 से 70 में आए ना भाई, नहीं नहीं अभी मतलब जीतेगा जीतेगा। तनवीर अहमद भाई ने कहा है कि बंगड़ा डालेंगे, हाँ बिल्कुल हम यूं तो जरूर करेंगे। पिछले 3-4 साल में हम घबराए नहीं है और अब भी नहीं घबराना। अच्छा हम लोग जो मर्जी करते हैं घबराना नहीं है, घबराना नहीं है वसीम भाई, घबराना नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है और किस तरीके का रिएक्शन पाकिस्तानी मीडिया का रहने वाला है आपको अंत तक देखिए जरूर। और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो पहले वीडियो देखते हैं फिर बाद में बात करते हैं। सबसे ज्यादा सोचने की बात ये नवाज क्या सोच रहा होगा फील्डिंग पे खड़ा हुए, आखिरी ओवर मुझे करना है मेरे पे है। अच्छी बात है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, कोई और होता तो चलो फिर भी नवाज का बहुत प्रेशर है भाई, वो तो सोच रहा होगा मुझे कंकशन हो जाए। गुड बॉल यार, क्लैपिंग तो कर दो, इतनी जबरदस्त बॉल की उसने यार। गुड बॉल हारिस भाई, 9 गेंदों पर अब 29 रन चाहिए भारत को ये मैच जीतने के लिए। साथ तो नवाज नेशनल बैंक में थे ना आपके साथ, तो अच्छा। लगता है ये प्रेशर हैंडल कर सकते हैं और इस तरह की सिचुएशन में, नहीं इसने किया हुआ है पीएसएल में हमारे खिलाफ, इसने 2 बार ओवर कंटेन किए, 7 स्कोर 9 स्कोर कंटेन किया लास्ट ओवर में, तो इतना कर सकता है। हम तो ये लाइटर मूड में बात कर रहे हैं, लेकिन 9 गेंदों पर रेगुलर 5 बॉलर हारिस रऊफ आए हैं और स्पेशलिस्ट एक और सिंगल ही आई होप बनेगा, डबल हो जाएंगे शायद, सिंगल सिंगल सिंगल, वेरी वेल बॉल यार, वेरी वेल बॉल यार। 8 पे 28 हारिस रऊफ भाई, फिलहाल तो उसने बता दिया कि मेरे पास बिग बैश का बड़ा एक्सपीरियंस है आज के मैच में। सही है, वैसे भी पिछले एक साल से बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा परफॉर्म, शाइन अनफिट हुआ है सबसे बड़ा। स्लो वन जो यूज कर रहा है ना, बहुत जबरदस्त यूज, नहीं ज्यादा पेस पे रिलाई कर रहा है, वेरिएशन और सरप्राइज बॉल उसने रखा हुआ, ये अच्छी चीज है। यही हम लोग बात करते हैं कि फास्ट बॉलर जो स्लो बॉल करता है वो सरप्राइज बॉल करे तो बैट्समैन डेफिनेटली आए। देखते हैं 8 गेंदों पर 28 रन चाहिए, ये शॉट लग गया है और ये ऊंचा शॉट लगा है, आउट ग्राउंड के बाहर, यानी बाउंडरी लाइन के बाहर छक्का लगा दिया, छक्का लग गया, बहुत आला शॉट है। वसीम भाई जो भी है ये शॉट्स कोई आम बंदा नहीं मार सकता, बिल्कुल बहुत मुश्किल, जो सीधा इसने छक्का मारा इसके लिए मेरे ख्याल से एक अलग ही लेवल का बैट्समैन, अलग क्लास होनी चाहिए, अलग क्लास उसकी उसने दिखाई अपनी, कि मेरा नाम विराट कोहली है। नहीं ये शॉट है, ये नॉर्मल प्लेयर नहीं मार सकता, पांड्या ने मारा, ठीक है चलो, विराट कोहली है, नाम काम कर दिया, विराट कोहली है, विराट कोहली है, विराट कोहली है, सही है, बहुत आला, सो अनबिलीवेबल, बस ये मैच का बॉल है। अच्छा मैच का बॉल है, मैच का बॉल है जी, बॉल का ये मैच का बॉल है, और उर्दू और ग्रामर पंक्चुएशन सब आगे पीछे हो गया, ये मैच का बॉल भी आगे पीछे हो गई, और नवाज के लिए ये बॉल है। 7 गेंदों पर 22 रन इस बॉल पे, आउट करें, आउट करें, 1 रन बनेगा यूनुस भाई, इस बॉल पे आउट करें, 1 रन आउट करें, आउट करें शॉट, गेंद हवा में है और एक और छक्का लगा दिया है विराट कोहली ने, ओ माय गॉड, 14 रन रह गए, जिसका मतलब आखिरी ओवर के लिए सिर्फ 16 रन छोड़े हैं विराट कोहली ने अपने लिए, आखिरी ओवर कराएंगे मोहम्मद, और 16 रन चाहिए इंडिया को ये मैच जीतने के लिए। हम सब ये ख्वाहिश कर रहे थे, अब बंदा मजाक भी ना करे कि 40 ओवर तक मैच जाना चाहिए, वो तो चला गया, लेकिन साथ में और ख्वाहिश भी तो कर रहे थे कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाए। सब देखते हैं कि क्या होगा, अभी 16 रन बहुत है, 16 रन बहुत है अभी, और क्या, अच्छा हां बहुत है, जीत भी यही आसरा आप लोगों ने 29 39 ओवर से, ये अभी भी बहुत है, परचम फैला रहे हैं, हमारा तो काम ना अपनी टीम को उठा के रखना, लेकिन देखे ना आखिरी 2 गेंदों में 12 बने, 6 में 16 चाहिए,
उसने मेरी बात सुन ली, मैंने तारीफ बहुत कर दी। टाइम है, मैं थोड़ा सपोर्ट कर दूं इंडिया नहीं सर अच्छा नहीं नहीं जीतेगा 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 नवाज जितवाएगा मैं नवाज उफ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो खवातीन हजरात उम्मीद रखें, बात वही है कि नवाज नवाज पे नजीब हसन भाई आप उम्मीद रखें पाकिस्तान बचेगा, आप उम्मीद रखें। घबराए नहीं, हमेशा अच्छा काम किया, घबराए नहीं घबराए नहीं, अभी देखना है आगे क्या करना है। नवाज भाई घबराए नहीं, अच्छा काम अच्छा किया भाई, घबराए नहीं। लेमन दार हमने शुरू नहीं करना प्लीज, घबराए नहीं, अलावा परजोश है ये शेख भाई, मैंने सही कहा ना, बेहतरीन बात की, दिल की बात कर दी अच्छा दिल की बात इसीलिए ये जो शोएब के अंदर है वो। So, आखिरी ओवर 16 रन इंडिया ने करने हैं और पाकिस्तान ने बचाने हैं। सो अब बारिश का इम्कान है अब कुछ नहीं होता, बारिश की बारी ना हो थोड़ी सी बारिश है, बारिश आ गई ना तो डीएल पे वो जीत रहे हैं। भाई, आप बताएं कितना परसेंट किसकी तरफ है जरा बताइएगा। अब तो उनके हक में है मैच फिलहाल, कितना परसेंट 70-30 ना करें यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है हार्डली 5 मिनट पहले 1000% ये जो आप 1000 से 70 में आए ना भाई नहीं नहीं अभी जीतेगा जीतेगा। आखिरी ओवर की पहली गेंद करा रहे मोहम्मद नवाज, आखिरी ओवर की पहली गेंद पे भारत को 1 विकेट का नुकसान और यूं भारत ने अपने एक खिलाड़ी से हाथ धो लिया। हार्दिक पांड्या आउट होकर पवेलियन में वापस, पहली गेंद पे 1 विकेट हासिल हुई है। ऊंचा शॉट खेलने की कोशिश जब बाबर आजम ने कोई गलती नहीं की और हार्दिक पांड्या का कैच लिया एक आसान कैच एक मुश्किल मौके पर और यूं पाकिस्तान एक बार थोड़ा सा माहौल बनाऊं कि नहीं बनाऊं बता दो यार मुझे भाई। मैंने क्या बोला था 70-30% देख लो यार अभी भी। मैं अपनी प्रेडिक्शन 5 मिनट बाद बताऊंगा, अभी बिजी हूं थोड़ा सा, उसके बाद बताऊंगा मैं। 5 गेंद अभी स्ट्राइक किसको मिलेगी, नया आने वाले जो नया आएगा नए रूल में क्या है, क्रॉसिंग का चक्कर नहीं है, जो नया आएगा वो खेलेगा। दिनेश कार्तिक फिनिशर है, फास्ट बॉलर पे उनका स्ट्राइक रेट 179 है, स्पिनर पे 129 है, आज कुछ नहीं करेगा। अच्छा सो तनवीर भाई नहीं आप नहीं देंगे, आपने सोच लिया है मैं अच्छा के बाद आगे बढ़ूंगा। मैंने अपने आखिरी गेंद की तरफ लास्ट बॉल ऑफ द मैच, इससे ज्यादा नेल बाइटिंग मैच और क्या हो सकता था, जहां पेंडुलम आखिरी मौके पे यहां से वहां स्विंग कर गया, मुझे नहीं मालूम सिर्फ क्या इस वक्त क्या कहा जाए कि पेंडुलम किसकी तरफ है। एक गेंद पे 1 रन चाहिए, एक गेंद पे इंडिया को चाहिए 1 रन ये मैच बराबर करने के लिए, 2 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए। सो मैच तो बड़ा अच्छा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं। और इस रिएक्शन को देख कर को आपका क्या कहना है, क्या लगता है भाई साहब कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जब होता है तो इंडिया वाले और पाकिस्तान की जो पब्लिक होती है उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और हमेशा भारत पाकिस्तान को यही लगता है कि अब की बार हम जीतेंगे अब की बार हम जीतेंगे, लेकिन हर बार इंडिया उनको पेल देता है। भाई मेरी इस बात से अगर सहमत हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। जिस तरीके से तनवीर अहमद ने भाई बंदा बोल रहा था शुरू में जब करीबन 8 ओवर बाकी थे, 6 ओवर बाकी थे, 36 बॉल में जब करीबन 72 रन इंडिया को 74 रन चाहिए थे,
तो बंदे ने कहा 1000% हम ही जीतेंगे, लेकिन विराट कोहली भाई साहब किंग कोहली के होते हुए पूरे विश्व को ये पता लग गया कि ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बंदा कभी भी आपको आपका 1000% को 0% बना के आपके ही अंदर डाल देता है। और विराट कोहली ने कुछ ऐसा ही इनिंग खेला इस मैच के अंदर। ये मैच 23 अक्टूबर 2022 का है, दिवाली से जस्ट एक दिन पहले का, क्योंकि 24 अक्टूबर को जिस तरीके से भारत के अंदर दिवाली का जश्न मनाया गया, नहीं तो भाई साहब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस मैच को अच्छे से देख रहा था। और जब जब हाँ लास्ट बॉल, और सबसे बड़ी बात जब अश्विन खेलने आया लास्ट बॉल पर, लास्ट बॉल बहुत ही थ्रिलर रहा, आपको एंड में इस वीडियो को पूरा देखने को मिलेगा, अब वीडियो को एंड तक जैसा आपने देखा होगा तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। मैं इस मैच को देख रहा था, बहुत ही मतलब भयंकर गुस्सा भी मुझे आ रहा था, क्योंकि पहली बॉल लास्ट ओवर की थी तो वह पांड्या आउट हो गए, और उसके बाद दिनेश कार्तिक उल्टे पुल्टे तरीके से आउट हो गए एक रन देने के बाद। तो कुल मिला के एक नो बॉल रही हमारा ये लगता है इस मैच के अंदर। और लास्ट में अश्विन ने एक बॉल शानदार तरीके से छोड़ा था भाई, जो बॉल अश्विन को पैड पर लगनी थी, अश्विन की जगह कोई और होता तो वो बॉल छूटता नहीं, और इस तरीके से भारतीय मैच जीत गया कुल मिला करके। बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिए।